सब नू जय मसीह दी। प्रभु तुहानू बहुत सारी आशीष देवे। सो आईए असी परमेश्वर दे वचन नू सुणांगे। मेरे अजीज भैणो भाईओ, जदों असी प्रभु यीशु मसीह नू अपना मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण कर लैने आ, तां सानू परमेश्वर दे प्रति कोई भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर साडे जीवन दे विच कोई भी बीमारी आउंदी है या कोई रोग आउंदा है या पैसे की तंगी है या घर दे विच कोई भी इदां दी मुश्किल है, तां मेरे अजीज भैणो भाईओ, सानू कदे भी परमेश्वर नू तुच्छ नहीं जानना चाहिए। क्योंकि जदों असीं अयूब दे बारे देखदे आ, तां अयूब दे जीवन दे विच शैतान ने एक बहुत वड्डी तबाही मचा दित्ती सी। ओह क्यों मचाई सी? उहने इसलिए मचाई सी तां कि अयूब जिहड़ा है ओह परमेश्वर नू तुच्छ जाने। मेरे अजीज भैणो भाईओ, परमेश्वर नहीं चाहुंदा कि मेरे बच्चे जिहड़े है ओह बीमार रहन या मेरे बच्चे जिहड़े है ओह तंगी दे विच रहन, परेशानियां दे विच रहन, दुखां दे विच रहन, उन्हां दे बच्चे जिहड़े है ओह कहना ना मन्नन या पति पत्नी दे विच झगड़ा रहे या घर दे विच हालात अच्छे ना रहन, ये परमेश्वर नहीं चाहुंदा। हुण परमेश्वर सानू की तसली दिंदा है? परमेश्वर की तसली जिहड़ी है ओह असीं देखदे हाँ कि इन्हां जदों साडे जीवन दे विच इदां दे हालात बनदे है, चाहे वह बीमारी है, चाहे कोई परेशानी है, चाहे पैसे की तंगी है या कुछ भी है, चाहे बच्चों नू लैके परेशान हो, तो परमेश्वर का वचन जिहड़ा है, जदों असी देखते हैं यूहन्ना दी अंजील उहदा 6 बाब और उहदे असी 20 वचन तो देखते हाँ, तो उसने उन्होंने आख्या, मैं हाँ डरो ना। हुण असी किसी भी मुश्किल दे विच परेशानी दे विच आ तां इह वचन जरूर याद रखो। प्रभु यीशु मसीह अज सानू कह रहा है, जिन्ने लोग सुन रहे अज प्रभु तुहाडे नाल गल कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं हाँ ना डरो। इस वचन नू तुसी अपने जीवन च रखो और परमेश्वर दा दित्ता होया आनंद, पवित्र आत्मा दे विच जिहड़ा सानू शांति और आनंद मिलदा है, उहनू तुसी कदे भी अपने जीवन दे विचों खत्म ना होण दिओ। असी देखते हाँ जिहड़ा उन्हां परेशानियां दे विच रह के, उन्हां दुखां दे विच रह के अपनी शांति और आनंद नू जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे राहीं सानू दित्ता है, उहनू अपने जीवन चों खत्म नहीं होण दिंदा, तां उस इंसान दे जीवन दे विच की जिहड़ी उह आशीष परमेश्वर दे वल्लों उस नू मिलदी है, उह असी 128 ज़बूर उहदी शुरू तों पढ़दे हाँ। इत्थे लिखा, धन है हरेक जो यहोवा दा भय मनदा है अते उस दे राहां उत्ते चलदा है। मेरे अजीज भैणों भाईओ, चाहे किन्नियां बीमारियां आ जाण, परेशानियां आ जाण, तंगी आ जाए, कटी कमी कुछ भी आ जाए, असी की करना है? उहदे राहां उत्ते की करदे रहना? चलदे रहना। जिहड़े परमेश्वर ने सानू रस्ता दिता, जिहड़ा उह रस्ता है प्रभु यीशु मसीह, उहदी इच्छा दे अनुसार असी चलदे रहना, चाहे किन्ना भी कुछ हो जाए, असी अपने आनंद नू खत्म नहीं होण देना, अपनी शांति नू खत्म नहीं होण देना। और परमेश्वर ने उहदे नाल वादा कीता, कहिंदा तू अपने हत्थां दी कमाई जरूर खाएगा, तू धन होवेगा अते तेरा भला होवेगा। परमेश्वर ने कहा ना डर। इत्थे प्रभु कहिंदा है भी तू धन होएगा और तेरा भला होवेगा ते तू अपने हत्थां दी कमाई नू जरूर खाएगा। परमेश्वर जिहड़ा है उह खाण वाले नू झिड़क देगा। मेरे अजीज भैणो भाईओ, इत्थे प्रभु दे भय दे विच असीं बने रहना। परमेश्वर दा भय की है? परमेश्वर दे भय दे विच बने रहना, परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चलदे रहना और अपने जीवन दे विचों कदे शांति और आनंद नू खत्म होण नहीं देना, चाहे कुछ भी हालात बन जाण, अपने जीवन दे विच तुसीं आनंद रहना। फिर ये जिहड़ियां वादे ने जिहड़े है, इन्हां वादियां नू असीं इन्हां उत्ते की करांगे? पूरा अधिकार लवांगे। ये वादे जिहड़े आ परमेश्वर ने सानू दित्ते आ, ये साडा अधिकार है और असी इहनू लै लईए। यीशु मसीह दे नाम च वचन च लिखिया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जदों भी तुसीं मेरा नाम लैके पिता कोलों मंगोगे ते पिता तुहानू देवेगा। अज असी यीशु मसीह दा नाम लैके इस वचन नू
इस वचन की आशीष को अपने जीवन दे विच की करिए लै लईए कि यह जी आशीष है 128 जबूर की आशीष मैनू प्रभु यीशु मसीह के नाम च स्वर्गीय पिता ने दे दिती और प्रभु की महिमा दे विच लगे रहना। अगे लिखा है तेरी वहुटी फलदार दाख वांगू तेरे घर के अंदर होगी तेरे बच्चे जतून दिया बूटिया वांगू तेरी मेज के आले दुआले होणगे। हुण देखो परमेश्वर का वचन साढ़े लिए की है कि परमेश्वर चाहता है कि साढ़े बच्चे जड़े है वो साढ़े आखे ना लगन या उन्हों का जीवन जड़ा वो नाश हो पति पत्नी दे विच प्रभु चाहता झगड़ा हो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो कह रहा है उस इंसान को कह रहा है कि तेरी जी पत्नी है तेरी वहुटी है जी है वह तेरे घर के होगी और फलदायक होगी और तेरे जोड़े बच्चे है वह जतून के बूटिया वगू जतून के बूटिया वगू तेरी मेज के आले दुआले होणगे। बोला हालेलुया होवेगा। जतून के बूटिया वगू किस तरह पर यह मेज की है बच्चे जड़े है मलाप नू दर्शाउंदी है मेज भी तेरे कोल रहणगे तेरी गल नू सुणनगे ते परमेश्वर जड़ा जतून दे बूटियां दी तरह साडे बच्चियां नू वधाएगा जिस तरह एक माली एक बूटे नू वधाउण दे विच उहनू पाणी दिंदा उहदी शिंगाई करदा उहदी देखरेख करदा सारा कुछ करदा तां कि उह बूटा जड़ा वध सके। इसे तरह परमेश्वर जड़ा है उह साडी साढ़े परिवार की साढ़े बच्चों की साढ़े कामकार की परमेश्वर सब कुछ की की करता चिंता करता है और उन्हों वधाने परमेश्वर साड़ी मदद करता है ना कि नुकसान करता। परमेश्वर कदे नुकसान नहीं करेगा। अगे लिखे देखो मर्द मुबारक होगा जोड़ा यहोवा का भय मानता है यहोवा सियोन तो तेन बरकत देवे अते तू जीवन भर यरूशलम की भलियाई वेखे। असी पूरे जीवन भर यरूशलम की भलियाई नू देखांगे परमेश्वर की दित्ती आशीष नू देखांगे। अगे लिखिया अते अपने दोतरे पोतरे वेखे इसराइल उत्ते सलामती होवे। परमेश्वर सारी जिहड़ी सानू आशीष जिहड़ी है साडे जीवन दे विच सानू जिहड़ी जिहड़ी चीज़ चाहीदी है वह परमेश्वर ने ऑलरेडी मसीह यसू विच सानू दे दित्ती और सानू इस वचन दे उत्ते की करना विश्वास करना है प्रभु अधिकार लेना है कि यह जी आशीष है ये प्रभु परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने मैनू दे दिती है। मेरे अजीज भैनों भाइयों परमेश्वर महान है और वह साढ़े जीवन दे विच महान काम करता है और खुदा भला और वह साढ़े जीवन चाहता है कि हर समय भलियाई नू की करे उत्पन्न करे। परमेश्वर सानू कदे दुखी नहीं करता जिस तरह असी अपने बच्चों नू दुखी नहीं वेख सकते उस तरह परमेश्वर भी नहीं देख सकता। परमेश्वर ने इसे लिए अपने पुत्र इस धरती से भेजा सी ताकि असी दुखी ना रहिए। आओ असी प्रार्थना करांगे। अगर तुसी अपने पिछले दिनों दे विच विरोधी ने इदां दीआं मुश्किलां नू भेजिया परेशानियां नू भेजिया और तुहाडे मूँह दे विचों वैरी ने परमेश्वर नू तुच्छ जाणिया तुसी अगर तां तुसी माफ़ी मंगो तौबा करो ते मुड़ो फिर दुबारा परमेश्वर दे नाल वादियां नू तुसी अपने दिल दे विच रखो। कुछ हो जाए तुसी परमेश्वर दे वादे याद रखने है परमेश्वर अपने वादे दा पूरा सच्चा है। वचन च लिखिया आकाश टल जाएगा धरती टल जाएगी पर जिहड़े मेरे वचन ने वह कदे नहीं टलणगे। आई अखा बंद करी दुआ करदा पिता परमेश्वर जिन्ना भैणा भाइयां ने बच्चे बुजुर्ग नौजवानों ने प्रभु जी इस वचन नू सुनिया प्रभु जी और जिहड़े जिहड़े भी किसी मुश्किल दे विच परेशानियां दे विच ने अज यस्सू नासरी नाम दे विच बाहर आ जाण पिता परमेश्वर उन्हां दे परिवारां दे विच आशीष मंगदा। जबूर 128 की आशीष प्रभु हर एक परिवार दे विच आ जाए यीशु मसीह नासरी नाम च इस वचना दे द्वारा प्रभु एक एक नू आशीष देने प्रभु जी तेरा जलाल उच्चा होवे प्रभु जी। अगर इन्होंने अपने शब्दों के विच कुछ भी बोलिया प्रभु तेरे विरोध दे विच यीशु मसीह नासरी नाम दे विच कैंसल कर दिया तेरे लहू दे द्वारा धुप जाण पिता शुद्ध हो जाण पिता परमेश्वर और देह प्रणात्मा दे विच जिन्ने भी शराप ने सारे टुट जाण यीशु मसीह नासरी। अगर विरोधी नूं इन्हां ने अनुमति दिती है देह प्रणात्मा दे विच अज उहनूं रिजैक्ट कर दिंदे आ यीशु मसीह नासरी और तेरे इस वचन की सुरक्षा नूं प्रभु जी इन्हां दे जीवन दे विच मंग लैंदे आ यीशु मसीह नासरी जलाल तेरा उच्चा आवे यीशु मसीह नासरी आमेन आमेन आमेन।